कहानी हम शुरू करने जा रहे हैं, ये हमारे स्टोरी कर रहे हैं। क्या है कि अगर गधा दुकान चलाएगा तो कैसे चलाएगा, ये तो आपको पता ही है। कमाई कुछ हो नहीं रही है, लॉस पे लॉस हो रहे हैं। तो मैं और गोमुख हम ये डिस्कस कर रहे थे कि या तो दुकान बंद कर दी जाए, या तो ऐसा है कि दुकान में हम थोड़ा सा पैसा डालें और हम पार्टनर बन जाएं। हो सकता है कि दुकान प्रॉफिटेबल हो, नफ़ा देना शुरू कर दें। सो यही बातें हो रही हैं और यही एक प्रस्ताव हम बाबूजी के सामने रख रहे हैं कि क्यों ना हमें इस दुकान में पार्टनर बना दिया जाए गधा प्रसाद के साथ। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि बापूजी काफ़ी ख़िलाफ़ है कि आपस में रिश्ते में कभी बिजनेस करना नहीं चाहिए सर, तो उसका आपकी क्या राय है सर? मतलब बाबूजी का क्या रिएक्शन रहेगा जब आप बोलेंगे गधा प्रसाद और आप बिजनेस कर रहे हो? नहीं देखिए, क्या है कि बाबूजी की ये शुरू हो जाता है रिश्तों में तो रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, हम एक दूसरे पे बहुत भरोसा करते हैं। मेरा छोटा भाई है, मुझे नहीं लगता कि अगर पैसे हम दोनों के बीच में कहीं दरार डाल सकता है। सो बाबूजी का ये मानना है कि नहीं, आपसी रिश्तों में हमें बिजनेस नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। हमें फन दिखने मिलेगा कि देखो चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर में अगर फ़न नहीं होगा तो क्या होगा? फ़न तो ज़रूर है, लेकिन साथ में एक सीख भी है जो हम हर कहानी के द्वारा लोगों को देते हैं, तो इसमें भी कोई ना कोई सीख तो होगी, लेकिन जो फ़न का डोज है वो कम नहीं होगा। थैंक यू।